प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वन पथ पर। तो ये जो पद हैं ये कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए हैं। आपको मालूम होगा कवितावली भी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचना है। तो पहला पद देखते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दए मग में लग द्वय, जल की भर भालकनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। पुरते निकसी रघुवीर बधु, जब आप जानते हैं राम जी को वनवास हो गया तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी वन को गए। तो जब राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग पर थोड़ा सा ही चले के सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गईं। और क्या हुआ? पुरते निकसी रघुवीर वधू, नगर से निकलते ही वन पथ पर कदम रखते ही धर धीर दए मग में डग द्वय, बड़े धीरज के साथ दो ही कदम चली थी कि क्या हुआ? जल की भरे भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी। भाल माने मस्तक, कनी माने बूंदें। और पुट सूख गए मथुराधर वह, और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। आगे मधुराधर माने मधुर, अधर अधर माने होठ। फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कित वह। अब उसके बाद जब काफी थक गई आगे चलते चलते तो अपने प्रीतम राम से पूछती हैं, बूझत माने पूछना, पूछती हैं चलनो अब केतिक के अब हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा, और पर्ण कुटी करे हो कित वह, और कितनी दूरी पर आप पत्तों की कुटिया अर्थात झोपड़ी बनाकर हम लोग निवास करेंगे या वहां रहेंगे, अभी कितना और चलना है। आगे इसके बाद देखते हैं। तिय की लख आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वे। तो श्री राम जी अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए, तिय माने पत्नी, आतुरता व्याकुलता को समझ गए, और पिय माने पति कौन, राम जी की आंखों में उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी अपनी प्रियतम सीता जी की दशा को, स्थिति को देखकर।